अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, क्या हाल चाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कल जी हम लोग गए हुए थे जी वाइट कैसल पे, मैं, फैसल और अली। और हमने वहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है वो ट्राई किया स्क्वेयर पिज़्ज़ा, और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसका अच्छा और होनेस्ट रिव्यू मैंने दे दिया है। आप लोग वीडियो देखें और ख़ुद ही फैसला करें। बल्कि मैंने तो ट्राई किया, मैंने उधर बिल्कुल एक नंबर जवाब दिया। और जो भी मैं मतलब जहाँ पे भी जाके रिव्यू देता हूँ या आपको बताता हूँ, वो किसी किस्म का कोई उसमें झूठ नहीं होता है। एकदम एक नंबर बात जो है मैं करता हूँ। कभी किसी के लिए झूठी तारीफ या कुछ भी ऐसा सिस्टम जो है वो मैंने नहीं किया, ना ही करता हूँ, ना ही करूँगा इंशाल्लाह। बुज़ुर्गों, बच्चों, नौजवान साथियों, आप लोग वीडियो देखें और वीडियो के एंड पे आपसे एक और चीज़ शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ज़्यादा बातें करने से बेहतर है कि आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये वो जगह है जिसका मैं बोल रहा था आपको। तो ये ऑलरेडी अंदर बैठे हुए हैं दोनों चबल, और ये ओपन प्लेस है इनकी, मतलब वाइट कैस्टल। वाइट कैस्टल है, कस्टर्ड नहीं। देर गई वाइट कैस्टल नाम आया था। और अभी हम इधर आए वाइट कैस्टल पे, अभी खा के बताऊंगा आपको कैसा है, क्योंकि मैंने अभी खुद ट्राई नहीं किया। बाय द वे, हम लोगों ने स्क्वायर पिज़्ज़ा जो है वो, बाय द वे, हमने स्क्वायर पिज़्ज़ा जो है लार्ज में करवाया। तो वाइट कैस्टल नेम है ये इनका सारा मेन्यू, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमें फैसल फैसल भाई ने बताया इसका सीक्रेट, कहते हैं कि बहुत अच्छा टेस्ट है इनका सारा सिस्टम। हाँ जी, साढ़े पैसे ही लगे हैं। वैसे मुझे ये ज़्यादा मज़े का लग रहा है, और बाकी अब स्क्वायर देखते हैं कैसा है सिस्टम इसका। अभी थोड़ी देर में आता है तो फिर मिलते हैं जी। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास आ चुका है स्क्वायर पिज़्ज़ा। इसे मैं पूरी आपको दिखाता हूँ, ये शेप है इसकी, ये है स्क्वायर लार्ज में, और काफ़ी मज़ेदार लग रहा है देखने में। अभी खा के तो आपको हम रिव्यू देते हैं इसका कैसा है। ये इनके बर्तन शर्तन है, मतलब सफाई अच्छी है। दो टाइप की सीटिंग है इनकी, फैमिली हॉल भी है और इधर ओपन में भी हम बैठे हुए हैं। अभी फ़िलहाल हम ओपन में बैठे हैं, ये चूज़ किया है। बड़ा यानी कि आप ये कह लें कि ओपन में ज़रा माइंड जो फ्रेश रहता है, और वैसे फैमिली हॉल में तो बैठते रहते हैं। अगर आप मैकडोनल्ड जाएँ या KFC या हार्डीज, तो मम्मी डैडी माहौल तो सारे पास ही होता है, तुम्हें पता। तो ज़रा देसी माहौल जो भी आना चाहिए इस वजह तो। चल यार, हूँ खा लीजिए, फिर बाद बाकी गल कर। फर्स्ट बाइट ये चीज़ है फिलहाल। तो टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है बाकी पिज़्ज़ा वगैरह से। भुख लगी होनी चाहिए जरूरी, ठीक है। जो भुख नहीं लगी फिर कोई मज़ा नहीं आना तुम्हें, सही है। हम खा के तो मिलते हैं, सही है। खाने के बाद इंशाल्लाह दोबारा वीडियो स्टार्ट करेंगे, और आधा रिव्यू आपको दे दिया है, बाकी लोकेशन वगैरह मैं बताता हूँ, ठीक हो गया। ये तो गाइस पिज़्ज़ा हमने खा लिया, और आपको मैं यहाँ का पता बिल्कुल नहीं बताऊँगा, क्योंकि क्योंकि मुझे खुद पसंद नहीं आया यार इतना। पहली बाइट ली थी तब जो है वो भूख लगी हुई थी, इस वजह से कुछ थोड़ा सा मतलब फील हुआ था कि यार ठीक है, लेकिन कुछ इतना खास मज़े का नहीं था, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा। 1300, तो 1300 कितने कितने 1320, हाँ 1320 रुपये का सीगा पिज़्ज़ा। तो
टेस्ट 800 वाला सी, ठीक है। 1320 रुपये का पिज्जा, चंगा चीज़ का खाधा हो बंदा नस्लों को दुआवा देता। तो बस यही कहना सी। तो अगर तुसी मतलब अगर आप ज़्यादा इंसिस्ट करेंगे तो हम आपको इसका पता भी बता देंगे। तो इसके अलावा इधर तो भाई ला छी जिदा का भी बाबा जी ने बाबा जी है चंगा फिर ओए ये जी हमारे पैसे जा रहे 1440 रुपए। बहुत दुख हो रहा है क्योंकि पिज्जे का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। और जिन्होंने कहते ना हमने सारी फैमिली को दिखाया लेकिन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हेलो भाई, हाँ इनका जो है वो ये सेटिंग अच्छी है, बंदे का दिल खुश हो जाता है देख कर। लेकिन भाई किधर गए यार, ये अपना बिल ले लो यार। तो शाम का टाइम है और बत्तियाँ छत्तियाँ बल गई हैं, अब हम लोग यहाँ से लीव कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, फर्स्ट टाइम बैड एक्सपीरियंस शेयर किया, इससे पहले भी हमारे साथ ऐसा होता रहता है तो, लेकिन इस दफ़ा आपसे आपके साथ अटैच हूँ इस वजह से आपसे शेयर किया, क्योंकि ज़रूरी होता है, क्योंकि हो सकता है कई लोग जो है वो मेरा ब्लॉग देख के ना जाएँ या चले भी जाएँ, कोई मसला नहीं। कभी कभी हो जाता है, ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा उनसे अचाना बना। लेकिन भाई सीधी बात यह है कि पिज़्ज़ा सेंटर से जो है वो कच्चा था और स्क्वायर के नाम पे उन्होंने तकरीबन 1300-1350 रुपये उसकी प्राइस रखी हुई है। और जो लोग फैसलाबाद में रहते हैं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो लोग देखते हैं उन्हें पता है कि 1300 में एक अच्छा लार्ज पिज़्ज़ा जो है वो आ जाता है। बेसिकली गेम सारी ये थी क्वान्टिटी और क्वालिटी की, उन्होंने क्वान्टिटी पर ज़्यादा ज़ोर दे दिया और क्वालिटी पर जो है वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ कर गए। तो मैं बात कर रहा था कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उन्हें पता है कि 1300-1350 रुपये में एक अच्छा लार्ज पिज़्ज़ा जो है वो बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे ब्रांड जो हैं वो ऑफ़र करते हैं। मतलब इनमें फोकर नाइफ हो गया और इनमें चंगन चीज़ हो गया और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जिन ब्रांड्स पर गया हूँ मैं उनकी बात करूँगा। बहुत अच्छा उनका पिज़्ज़ा होता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। ये नहीं कि एक दफ़ा, हर दफ़ा ही जब भी हम गए, तो कॉलेज लाइफ यूनिवर्सिटी लाइफ में हम बहुत सारी जगह पे गए, लेकिन उस वक्त जो है मैं व्लॉगिंग नहीं करता था। और इसके पहले आपको बोला था कि आपके लिए आपसे एक चीज़ मैं शेयर करूँगा व्लॉग के शुरू में, और वो है टाइम लैप्स। उसमें तकरीबन मेरी 100% बैटरी कंज्यूम हो गई। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, आप डाउनलोड कीजिए, अपने स्टेटस पर लगाइए, जो दिल है कीजिए, नो कॉपीराइट। ओके, तो आप लोग देखिए, इन्जॉय कीजिए वीडियो के एंड पे। आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपने भाई अली फैसलाबादी को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।